हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव फरोली के निवासियों ने गांव बरेली मथुरा मार्ग बाईपास बनने से गांव के फरोली रास्ता बंद हो जाएगा। उसी के चलते गांव के लोगों ने एकत्रित होकर बाईपास हाईवे पर कार्य चल रहा था तो उस कार्य को ग्रामीणों ने एकत्रित होकर रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है हमारे गाँव के लिए आने जाने के लिए पुलिया का निर्माण करें, अन्यथा हम आगे कोई कार्य नहीं होने देंगे। कुछ ठेकेदारों से वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा कि इससे संबंधी अधिकारियों को एक लिखित में प्रार्थना पत्र दें जिससे हम आपकी पुलिया बना सके। ग्रामीणों ने लिखित में जिलाधिकारी हाथरस को पुलिया के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर हाईवे का कार्य रुकवाया, विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर काफी ग्रामीण एकत्रित हो गए। हाथरस से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश। प्रदर्शन वगैरह किस बात को लेकर किया जा रहा है? प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो हाथरस जंक्शन से फरौली के लिए डावर रोड गया है उस पर 4-5 गांव के लोगों का आवागमन है और उस पर जो है ये मतलब जो NH1 जो है निकल रही है इसमें जो है पुलिया नहीं दे रही है। तो मतलब यहाँ जो हाईवे निकल रहा है और उस हाईवे से जो है आपके जो रास्ते के लिए मार्ग जो है उस पर पुलिया नहीं दिया जा रहा है। पुलिया नहीं दी जा रही है। अब उस पर पुलिया नहीं बनेगी तो मतलब इतने सारे लोगों को यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। हाथरस जंक्शन पे कम से कम 15-16 स्कूल हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे साइकिल से पैदल पढ़ने जाते हैं तो अगर उनको पुलिया कहीं नहीं मिलती है तो वो कहाँ होके मतलब पढ़ने जाएंगे और अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे भी तो उनकी सुरक्षा का कौन जिम्मा लेगा? अच्छा, ये इस मामले में किसी अधिकारियों को या किसी को जानकारी कराई है इसमें? अभी आज हम जो है DM साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं जनता की तरफ से जिससे हमारी समस्या को जो है उनके द्वारा मतलब आगे सुलझाने की कार्रवाई। अभी फिलहाल में कार्य रुकवा दिया गया है, क्या कर दिया? हाँ, काम इसलिए रुकवा दिया गया है कि जब तक हमारी